बीबी 13- पारस के कहने पर असीम ने की ये फनी हरकत, हंस हंस कर लोटपोट हुए घरवाले। बिग बॉस 13 का सीजन 13 इस समय सभी दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। वैसे तो इस बार के सभी कंटेस्टेंट काफी बढ़िया हैं और रोज किसी ना किसी कारण से चर्चा में रहते हैं। कंटेस्टेंट के मिजाज और टास्क से शो टीआरपी की लिस्ट में भी हिट है। शो में कई चौंकाने वाली चीजें देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ती जा रही है। सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा जब से सीक्रेट रूम में गए हैं, तब से शो में एंटरटेनमेंट और कॉमेडी का डोज डबल हो गया है। सीक्रेट रूम में रहकर बिग बॉस द्वारा मिली पावर का सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा जमकर फायदा उठा रहे हैं और कंटेस्टेंट्स से तरह तरह की चीजें करवा रहे हैं। हाल ही में बिग बॉस ने पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ शुक्ला को ये पावर दी कि वो कैप्टेंसी के चारों दावेदारों शेफाली जरीवाला शिवाली जरीवाला असीम रियाज आसिम रश्मि देसाई रश्मि दैसे और विकास गुप्ता को अपने इशारों पर चला सकते हैं। अपनी पावर पारस छाबड़ा का भरपूर फायदा उठाते हुए पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ शुक्ला ने चारों कंटेस्टेंट से काफी फनी चीजें करवाई। कलर्स पर जारी शो के नए प्रोमो में आप देख सकते हैं कि पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि दैसे को बाथरूम एरिया बिगाड़ने के लिए कहेंगे। रश्मि दैसे शेविंग क्रीम को पूरे फ्लोर पर फैला देंगी। इसके बाद पारस छाबड़ा असीम आसिम से कहेंगे कि वो शेविंग क्रीम को विकास गुप्ता पर लगाएं। पारस इसके बाद असीम आसिम से खुद पर ही शेविंग क्रीम लगाने के लिए कहेंगे। पारस छाबड़ा का कहना मानते हुए असीम आसिम अपनी पूरी बॉडी पर शेविंग क्रीम लगा लेंगे और फनी हरकतें करेंगे। असीम आसिम को इस फनी हालत में देखकर सभी घर वाले हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। कैप्टेंसी टास्क पूरा होने के बाद पारस छाबड़ा घर में वापस लौट आएंगे। पारस छाबड़ा घर में आते ही सभी कंटेस्टेंट्स की पोल खोलेंगे।